Hello everyone. In this video, we are going to discuss about ERD model. What are the different symbols that are used by designing the ER model? And what are the definitions for that given models? Because if we talk about any college and university, then they can ask you a theoretical question about to design a ERD model. So आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ERD model क्या होते हैं, उसमें entity क्या है, relationship क्या है, attributes क्या होते हैं, है ना? So basically we can say ki it is having five basic component. So the first component is entity. Now what is entity? An entity is a real world object that exists physically and it is distinguishable from other objects. Entity aisa hai jo ki real world object mein exist karta hai physically. Jaise main aapko dikh rahi hu, aap is video ko dekh rahe hain अपने सेल फोन से, अपने मोबाइल से. तो जैसे ये मोबाइल है, इट हैज हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, है ना? इसका एक लेंथ है, इसका एक वेट है, तो इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है और आप उसको किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से डिस्टिंगाइज कर पा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय, अ डिपार्टमेंट, अ व्हीकल, अकाउंट, तो ये सारे आपके एंटिटी हो जाएंगे. तो आप जब अपनी आंखों से अपने आस पड़ोस के किसी भी चीज को अगर आप देखते हैं ना, तो मेरे हिसाब से वो सारा एंटिटी है. जैसे मैं अपने रूम में बैठी हूँ, इन माय रूम आई एम हैविंग माय लैपटॉप, आई एम हैविंग व्हाइट बोर्ड, आई एम हैविंग चेयर, ये पेन, ये सब एंटिटी है. क्यों? क्योंकि इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है. तो फिजिकल एग्जिस्टेंस का बिल्कुल भी आप ये मतलब ना समझे कि दैट इज रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, नहीं है ना? क्योंकि अगर व्हीकल की बात करूं तो व्हीकल तो एक लिविंग बींग्स नहीं है, बट व्हीकल क्या हो सकता है? इट कैन बी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, तो इसके अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गए, तो ये आपके एंटिटी हो जाते हैं. सेकेंड टर्म विच कम्स अंडर ईआरडी मॉडल इज अ रिलेशनशिप विच इज द एसोसिएशन और बॉन्ड दैट एग्जिस्ट बिटवीन वन और मोर एंटिटीज. जैसे ये बुक मैंने मैंने लिखा है, तो दिस बुक इज ओन बाय मी. सो वन एम्प्लॉय इज वर्किंग इन एक्स एंड वाइज डिपार्टमेंट. मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट खोला है. सो दिस ऑल आर द रिलेशनशिप, है ना? जैसे मैंने बोला कि एक एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय ने अपना अकाउंट ओपन किया है एक बैंक में जाकर, तो ये एक एंटिटी है. इस दोनों के बीच में एक अकाउंट ओपनिंग का यहाँ पे क्या आ रहा है? एक रिलेशनशिप आ रहा है. तो रिलेशनशिप में इट इज एन एसोसिएशन और अ बॉन्ड. नाउ व्हेन आई से एट्रीब्यूट, सो एट्रीब्यूट मींस द फीचर्स दैट एन एंटिटी हैज. जैसे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अपना एक आईडी होगा, उसका एक अपना नेम होगा, उसका अपना एक एज होगा. इस तरीके से आप कितने भी उसके एट्रीब्यूट्स या फीचर्स को जब आप डिफाइन करते हैं, सो दे ऑल आर नोन एज एट्रीब्यूट्स, जो हर एक एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं. जैसे स्टूडेंट अगर कोई एंटिटी है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका नेम है, सो दे ऑल आर द एट्रीब्यूट्स. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है अबाउट एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट. तो सेट का क्या मतलब है? जब कई सारे एंटिटीज को आप उसको कंबाइन कर देंगे, देन इट विल बिकम द कलेक्शन. सो एन एंटिटी सेट इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एंटिटीज. सिमिलरली व्हेन आई से रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर एंटिटी सेट. तो जो आपने रिलेशनशिप और एंटिटी समझा है, उसी में जब आप कंबाइन कर देंगे कई सारे एंटिटी को या कई सारे रिलेशन को, तो वो सेट बन जाएगा. सो दिस इज एग्जाम्पल. ये अपने आप में एक एंटिटी है स्टूडेंट, बट आप देखो एक ऐसा मैंने सेट बना दिया जिसके अंदर मल्टीपल एंटिटीज हैं. जैसे मैं एक बना देती हूँ कॉलेज, कॉलेज के अंदर एक एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है उस स्टूडेंट को, दूसरा एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्स को, तीसरा एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है डिपार्टमेंट को, दूसरा नॉन टीचिंग स्टाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड सो ऑन. सो दिस इज द एंटिटी सेट. एंड जस्ट नाउ वी हैव सीन एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट विच हैज द फिजिकल एग्जिस्टेंस. ओके, नाउ लेट अस क्विकली सी व्हाट आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड व्हाइल मेकिंग एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन सिंबल्स. लाइक व्हेन आई से एंटिटी, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग एंटिटी. तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी को आप एक रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं. एंटिटी दो तरीके का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक. तो अगर एक सिंगल रेक्टेंगल है, सो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी. वीक एंटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से. एट्रीब्यूट को आप रिप्रेजेंट करते हो ओवल से. रिलेशनशिप को आप डिफाइन करते हो डायमंड शेप से. और फिर की एट्रीब्यूट को आप डिफाइन करते हैं ओवल के अंदर, जब आप एक अंडरलाइन लिखेंगे, सो दैट इज द की एट्रीब्यूट.
ये जो हमने सिंबल देखा, दे आर द बेसिक सिंबल, है ना। इसी बेसिक सिंबल में कुछ और आपको समझा देती हूँ। एंटिटी का मैंने टाइप्स बोला, एंटिटी के टाइप्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, बट यहाँ पे मैं बता दूँ, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, और दोनों का डायग्राम आपने यहाँ पे देखा। स्ट्रॉन्ग को आप सिंगल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, वीक को आप डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप आपका डायमंड से रिप्रेजेंट होता है। तो रिलेशनशिप में एक रिलेशनशिप आपका होता है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल डायमंड। क्या है आइडेंटिफाइंग रिलेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। अभी आप ये समझो, इसको आप डबल डायमंड शेप से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एट्रीब्यूट की बात कर ले, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट में इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की अगर मैं टाइप्स की बात करूं, फर्स्ट वन इज द सिंपल, सो सिंपल एट्रीब्यूट इज डिनोटेड बाय ओवल। सेकेंड इज द की एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट की अगर बात करें, ओवल में जो अंडरलाइन है, जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं, दैट इज द की एट्रीब्यूट। तीसरा आपका होता है सिंपल के बाद मल्टी वैल्यू, सो मल्टी वैल्यू इज डिनोटेड बाय डबल ओवल। मल्टी वैल्यू मतलब जिसके मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, है ना। फिर अगर हम फोर्थ की बात कर लें, इन द फोर्थ वी कैन से वी हैव कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो अगर कंपोजिट एट्रीब्यूट को हम डिनोट करने की कोशिश करें, ओवल, ओवल को आपने इस तरीके से ब्रेक कर दिया, कंपोजिट मतलब कई सारी चीजों से बना है। देन द फिफ्थ वी हैव, दिस इज योर की एट्रीब्यूट। देन वी हैव डिराइव्ड एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सो डिराइव एट्रीब्यूट को आप डिनोट करते हैं, ओवल होगा बट वो इस तरीके से डॉटेड होता है, सो दिस इज योर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। देन सिक्स वी हैव पार्शियल की एट्रीब्यूट, पार्शियल की, सो इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रिमिनेटर, डिस्क्रिमिनेटर। इसको आप शो करते हैं ओवल, पार्शियल है मतलब इसमें प्राइमरी की में आपने एक सिंगल लाइन बनाया था, इसमें आप इस तरीके से डॉटेड लाइन का यूज करेंगे। तो ये तो सिंबल्स की बात हो गई, और ये सारे सिंबल्स आपको एग्जाम में लिखने होते हैं जब आपको ईआरडी का थ्योरी क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर मैं सिंपल एट्रीब्यूट की बात करूँ, जैसे मैंने बोला मेरा एज, ठीक है, एज हो गई, मेरी आईडी हो गई, मेरा एड्रेस हो गया, आप जो भी बोलो सिंपल एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट किसको बनाएंगे, जैसे एक स्टूडेंट है, मेरा एक आधार नंबर है, तो आधार नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड, सो आधार नंबर अगर है उसको आप की एट्रीब्यूट बनाएंगे। मल्टी वैल्यू मतलब कि एक के मल्टीपल वैल्यूज हैं, जैसे मेरा फोन नंबर, तो मेरा जो फोन नंबर है दो है, एक मेरा पर्सनल नंबर है और एक मेरा ऑफिशियल नंबर है, तो दो वैल्यूज हो गए ना, तो दैट इज मल्टी वैल्यू। कंपोजिट मतलब जो कई सारी चीजों से बना है, जैसे मैंने बोला मेरा एड्रेस, एड्रेस में मेरा रूम नंबर है, एड्रेस में मेरा स्ट्रीट नंबर है, एड्रेस में मेरा सिटी है, एड्रेस में मेरा स्टेट है, तो इस तरीके से काफी सारी चीजों से एड्रेस एट्रीब्यूट आपका बनता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंपोजिट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब है, जैसे मैंने आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताया, इस डेट ऑफ बर्थ से आप मेरी क्या कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल कैलकुलेट माई एज, तो दिस इज डिराइव्ड, मतलब किसी और से डिराइव्ड हुआ है। पार्शियल की का ये मीनिंग है, जब आप किसी वीक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वीक एंटिटी अपना प्राइमरी की नहीं बना सकता है, वो अपना की बनाने के लिए स्ट्रांग एंटिटी पे डिपेंडेंट होता है, सो दैट इज नोन एज पार्शियल की। जैसे मैंने बोला एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, एक स्टूडेंट ने रजिस्टर किया किसी कोर्स में, तो कोर्स में कोई ना कोई एक स्टूडेंट तो रजिस्टर करेगा, इसको मैं चलो बना देते हैं वीक एंटिटी। तो इसमें जो मेरा एट्रीब्यूट बनेगा कोर्स आईडी, सो दैट इज माय डिस्क्रिमिनेटर। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्राइमरी की बनेगी वो कोर्स आईडी प्लस स्टूडेंट का आईडी, दोनों को मिला के ये प्राइमरी की बनेगा। एक स्टूडेंट में मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लेती हूँ, सो इट मीन्स पार्शियल की इज माई द कोर्स आईडी विच इज डिपेंडेंट ऑन अनदर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो में व्हाट वी हैव कवर्ड, वी हैव कवर्ड व्हाट डू यू मीन बाय एंटिटी, रिलेशनशिप, एट्रीब्यूट, तो इसकी थ्योरी आनी चाहिए। और साथ में अगर आपको कोई ईआरडी डिजाइन करने के लिए एग्जाम में आता है, तो यू शुड बी नोइंग वेरियस सिंबल्स ऑफ ईआरडी।
सो दिस आर द बेसिक एंड दिस आर द टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट. तो ये भी सिंबल्स में आता है, तो आप इस तरीके से ये सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे. तो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज ईआरडी एंड द वेरियस डिफरेंट सिंबल्स ऑफ ईआरडी. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो. थैंक यू.